परेशानी सबसे बड़ी परेशानी लिफ्टिंग की है, लिफ्टिंग ट्रक नहीं है, होटल बंद होने की वजह से ट्रक नहीं है यहाँ पे, उसकी वजह से मंडी में कट्टा ही कट्टा भरा पड़ा है, पैर रखने की व्यवस्था नहीं है। और कल 2 बजे से लेकर अब तक होटल इन्होंने बंद कर दिया है कि अनाज लेकर बताए गेट पास नहीं कटेगा, लेकिन किसान अपना अनाज नहीं रोक सकता क्योंकि इस टाइम गेहूं इतनी पक चुकी है, अगर एक छोटी सी भी चिंगारी कहीं से भी आकर गिर गई तो किसान का पीला सोना चलकर राख हो जाएगा। ना ही गेट पास है, ना ही ढाका है, ना ही बारदान है, समस्या ही समस्या, पूरी इंडिया अनाज मंडी समस्याओं से भरी हुई है। आप किसी भी छोटी बड़ी समस्या की बात कर सकते हैं। करनाल से राष्ट्रपति हमारा जो मायला होता है ये पिछले 11 बजे से अब तक पहुंचा, ये अनिश्चित काल तक जाम रहेगा जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, हमारी मांग पूरी नहीं होंगे। 20-30 ट्रक मौके पर प्रशासन लाकर खड़ा कर दे कि आपका ये अनाज के जान लग रहा है, उसके बाद हम अपना आंदोलन वापस। सरकार ने 48 घंटे का हमें बताया, अभी 48 घंटे में आपकी मीटिंग हो जाएगी। 48 घंटे में यहाँ 4,25,000 में से 30-40-45 हजार इकट्ठा होता है, तो 48 घंटे का आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके 48 घंटे के बाद पेमेंट की बात थी, जब तक मार्ग होगी ना बारदाना है ना हमारा पोर्टल बंद कर दिया है, कल 24 घंटे के लिए मंडी में किसानों का माल आने से रोक दिया गया है। तो जब मैसेज आएगा उसके हिसाब से, सारा हरियाणा खुला है, हमारी मंडी बंद है। उनका कहना है अभी मंडी में लिफ्टिंग स्लो है, तो हमने जो आंकड़े देखे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की जो पर्ची है उसमें लिफ्टिंग स्लो है, गाड़ियाँ जो है ठेकेदार के द्वारा कम प्रोवाइड की गई और साथ ही साथ बारदाने की भी समस्या आ रही है। तो इसके लिए जो है हमारी से बातचीत कर रहे हैं, हमारे सामने पर्ची एजेंसी और ठेकेदार हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं कि गाड़ियाँ बढ़ाएं, लिफ्टिंग फास्ट करें और बारदाने की समस्या जो है अड़ती किसानों को ना आए।